ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में, बहुत खुश होगे। और अब मैं आज लेके आई हूँ फ्रेंड्स मे की एक कंप्लीट प्रिडिक्शन, जो कि हम देखेंगे कि जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी मनी, पर्सनल लाइफ ओवरऑल कैसी रहने वाली है, क्या दिख रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों पे एक लाइट डालने की कोशिश करेंगे, एक ओवरऑल रीडिंग करेंगे कि आपके लिए ये मई मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, और आई होप कि आप सबके लिए बहुत अच्छा एक प्रेडिक्शंस आए। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे कॉमेंट करते हैं, मैम मैं ये कौन सी राशि से देखूँ, क्या है। देखिए, आप किसी भी राशि से देख सकते हैं जो आपको मैच करे। कभी कभी मुझे जेमिनी बहुत मैच करती है, मेरा जॉडियक साइन कोई और है, लेकिन मेरी जो है वो तो। इसलिए आप अपनी नाम का भी राशि होता है, नाम से जो राशि बन रही है। कोई कभी कभी हमारी फैमिली में कोई हमारा नाम बचपन से रख देते हैं और हमें उसी नाम से बुलाया जाता है, लेकिन मेरी राशि कोई और है कुंडली में। मैं कुंडली की राशि से मैच नहीं कर पाती हूँ, मेरे को मेरी नाम की जो राशि है उसकी रीडिंग्स ज़्यादा मैच करती हैं। सो ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी मैच करती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ करें। दूसरा फ्रेंड्स, आप लोग को नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है। देखिए, मैं हमेशा वीडियो पोस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं कम्युनिटी टैब से यानी कि एक पूरा का पूरा एक पोस्ट भी जारी करती हूँ हर बार। तो वो पोस्ट पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि आपको पता लगे, क्योंकि कभी कभी मैं 12 की 12 वीडियोज एक दिन में नहीं बना पाती। तो 6 आज बनाई, 6 कल बनाई। सो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखना है कि मैम ने डाला है वीडियो। तो नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे रखेंगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आया है। ठीक है, सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, सो माय डियर लियो यानी के सिंह राशि फ्रेंड्स, हम ये एक मे मंथ की ओवरऑल प्रिडिक्शन निकालेंगे, जिसमें हम आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, एजुकेशन सारे सेक्टर्स पे देखेंगे। हर एक सेक्टर के लिए कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे ओवरऑल क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए और क्या आपको डिवाइन कह रहे हैं। सो आपकी क्या एनर्जीज दिख रही हैं, और जो एनर्जीज आपकी आएंगी उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कैसे उस पर काम करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ से और देखेंगे कि कैसा चल रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ मे। सो टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। देखिए, मुझे दिख रहा है कि मे मंथ में या मे मंथ से जस्ट पहले आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा एक चेंज आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप उससे बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उतना रिज़ल्ट नहीं मिला अपने काम को करके, या अपने बिजनेस में, या अपने अपनी जॉब में, मे बी उस प्रोसेस में आपको वो चीज़ें नहीं मिली। मे मंथ आपको आपकी खुद की पोटेंशियल के बारे में बताएगा कि आप कहाँ पर थे, आपने क्या मिस किया और आपने क्या मीट किया। ठीक है, सो समवेयर आप अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते नज़र आएंगे, अपने आप को खुद जानते नज़र आएंगे, खुद समझते नज़र आएंगे, एक खुद के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे ऐसा लग रहा है दिखेगी, समझेंगे आप। और मे मंथ में आपको ये पता चलेगा कि कौन लोग आपके साथ जेन्युइनली थे आपके काम में और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। हम पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, कैसा रहेगा पर्सनल लाइफ में मे मंथ आपके लिए। सो द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स
एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे लियो राशि, बहुत ज़्यादा आप ऊपर वाले के साथ एक अपना कनेक्शन बिठा लेंगे। समवेयर आपको पिछले कुछ टाइम से आप थोड़े से रूखे हो गए थे या अभी भी वो ही जोन में आप हैं, लेकिन आप खुद को संभालने की कोशिश करेंगे और एक कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में भी देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ में, मुझे अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा विनम्र तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही हूँ या हाइपरनेस दिखा दिया है, सो आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आप इस पे मुझे काम करते भी नज़र आ रहे हैं मई मंथ के अंदर, सो इस चीज़ को आप अपने लिए ऐड करके रखें। अगला हम देखते हैं आपकी एजुकेशन से रिगार्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा। सो स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़े डिफरेंट कार्ड्स आए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप शायद बहुत, या तो कोई रिजल्ट ऐसा आ गया है या रिज़ल्ट ऐसा आने वाला है या कोई आप एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं उस पेपर की या उस चीज़ की, या शायद या तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। ओवरऑल मुझे आप पेन में दिख रहे हैं। देखिए पेन लेके कोई फ़ायदा नहीं होना, कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है या इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। सो लियो एग्ज़ाम्स क्लियर कैसे करने हैं उसके लिए आपको लोगों की हेल्प लेनी होगी और राइट पर्सन की हेल्प लेनी होगी। अगर कोई आपको लग रहा है कोई पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके उल्टा नोट्स लेके ही आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी है इस तरीके का, सो इन दैट केस आपको अपनी उन चीज़ों पे, या अभी तक आपका कोर्स ही नहीं हुआ, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो ओवरऑल आपको वो सारी चीज़ें देखनी हैं। और फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है कि नहीं हो रहा तो मैं तो, मेरा तो होगा नहीं, उस टाइप का नहीं। सो ये मुझे दिख रहा है आपका एजुकेशन का। अब हम एक कार्ड निकालेंगे आपके हेल्थ के लिए कि कैसे रहेगी आपकी ओवरऑल हेल्थ। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिख रहा है आप थोड़ा सा हाइपर टाइप्स रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं सो उससे आपका बीपी हाई हो जाता है, उससे आपकी एनर्जी बहुत लूज होती है। इसलिए जो कार्ड आया है उससे आपको गाइडेंस लेनी है और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो हेल्थ वाइज कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, बट हाँ अपने आप को मेंटली काम रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और जितना हो सके डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है, लोगों के साथ भिड़ना नहीं है आपने लोगों के साथ, ठीक है। सो ये है आपकी ओवरऑल मई मंथ की प्रिडिक्शन। हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। अभी तो हमने ये देखा आपकी एनर्जीज क्या हैं मई मंथ में, अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। सो गाइडेंस फॉर लियो राशि फॉर द मंथ ऑफ देखिए ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड आया है, यानी कि आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप सिर्फ सिर्फ अपने डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें, किसी और से ना कहें, कोई बहुत अपना है तो उससे कहें जो आपको भगवान जैसा प्यारा हो, जो अगर आप भगवान के बाद किसी को पूछते हैं तो उससे शेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप सेफ हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है,
आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर वाले को सरेंडर कर दीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव सोल एक्सपेंशन. तो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, यानी आपको बहुत सारी चीज़ों का, रियलिटी का, प्रोफेशनली पर्सनली पता चल रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, लाइफ आपको कैसे जीनी है, कैसे आगे डील करना है, बहुत कुछ आपको पता चल रहा है. सो आप हर चीज़ के बीच में एक कनेक्शन बिठा पा रहे हैं. ये है आपकी रीडिंग माय डियर लियो. एंड आई होप फ्रेंड्स आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो कि मई मंथ में आपको इन सभी सेक्टर्स में कैसे डील करना है, क्या है. और आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे. लाइक करना इस वीडियो को और मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाय फॉर नाउ.